नमस्कार दोस्तों, तो मॉर्निंग की क्लिक है और आप सभी देख के पता चल गया होगा कि मैं मैके से आ चुकी हूँ अपने घर। तो दोस्तों, मैके से आते ही अपने घर में लग गई हूँ क्लीनिंग करने में। तो समझ सकते हो, जहाँ महिलाएं ना हो, घर की गृहणियाँ ना हो, तो घर की हालत कैसी हो सकती है। तो 2 दिन के लिए जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, लेकिन तो घर तो की हालत ना गंदी हो ही जाती है। तो दोस्तों, जैसे तैसे वो खाना बना रहे थे तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ क्लीनिंग करने में, और जो रेगुलरली हम लोग करते हैं ना वो नहीं हो पाता है। तो बस यही साफ कर रही थी। और आज हमारे यहाँ नहाने खाने का दिन भी है, क्योंकि आज 6 तारीख है और ना 6 तारीख को बहुत कोई जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे इधर 7 को मना रहे हैं, 7 को। तो आज नहाने खाने का दिन है, तो आज हम लोग बिना प्याज लहसुन वाली खाना, मतलब वेज खाना बनेगा दोस्तों, सात्विक भोजन। तो इसलिए ना हमें थोड़ी सी ना सफाई हम लोग को करनी पड़ती है। ये हमारे हमेशा हर त्यौहार में ही ये रीत आती है हम लोग की दोस्तों, तो बस उनका फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ना सारी सफाई हो रही है, थोड़ी सी डिटर्जेंट और मैंने यहाँ पे फिनाइल तो हमेशा रेगुलरली डालती हूँ कीड़े मकोड़ों के लिए दोस्तों, ताकि हमारा साफ सुथरा रहे किचन। और यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट थोड़ा सा डाल दिया है, तो मेरे तेल जो है ना वो चले जाएंगे आसानी से। 2-3 दिनों का जो भी थे गंदे थे वो साफ हो गए। तो मायके से आते ही लग गई हूँ सफाई में। और यहाँ पे दोस्तों बर्तनों का पहाड़ देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने जूठे बर्तन नहीं रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक वाले तवा चकला बेलना मतलब चालनी सभी है दोस्तों, इसलिए ना ये सबको मैं अलग से धो लेती हूँ। और ना आज थोड़ी सी सारे चीज़ों को धोना है, क्योंकि कल फास्टिंग है, इसलिए तो आज सारे चीज़ों की सफाई करके ही मतलब अच्छे से किचन की क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पे ना इन सबों को मैं धो दे रही हूँ, क्योंकि मेरी आटा वाला चलनी भी मतलब गंदी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे धूप में दे रही हूँ खिड़की के सामने। आज हमारे इधर धूप अच्छी आई है, 2 दिनों से काफ़ी पानी गिर रहे थे, तो हमारा किचन का प्लेटफॉर्म ना दोस्तों साफ़ सुथरा क्लीनिंग हो चुकी है। तो किचन क्लीनिंग हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे ना मैंने आज सभी बर्तनों को सारे बर्तनों को मतलब धो दिया था। ऐसे तो धोती हूँ, लेकिन जब भी हम लोग कोई त्यौहार करते हैं ना, तो सारे बर्तनों को धो के ही खाना बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ना बर्तनों को तो मैंने अच्छे से धो लिया था, और बर्तन इतने थे कि टोकरी में लोड भी नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी किचन हो गई है क्लीनिंग, और बर्तनों की भी हो गई है सफाई। तो बस मैं कैसे आज बहुत आराम करके आई थी ना दोस्तों, तो लग गई हूँ अपने काम में। तो बस दोस्तों यहाँ पे ना लग गई हूँ बेड को सेट करने में। तो बेडशीट को मैंने निकाल दिया है, ये धोया हुआ बेडशीट है, उसको मैं चढ़ा दे रही हूँ। और पिल्लो के कवर मैंने शाम को ही धो दिया था, फिर भी नहीं सूखी है दोस्तों, क्योंकि पानी मतलब ना थोड़ी सी धूप देती है और पानी गिरने लगती है, तो रात में काफ़ी पानी गिरा था, तो इसलिए ना अभी कोई भी कपड़े वपड़े सूखे नहीं हैं। और समझ सकते हो, कहीं से आओ ना तो कपड़े की पोछार तो हो ही जाती है। तो इधर ना मैंने सभी कपड़ों को मैंने धो दिया था। और कल थोड़ी सी मार्केट भी गई थी ना, लड्डू गोपाल के जो भी झूले के सामान लाने के लिए, वो भी मैं लेके आ गई थी। तो कपड़े थे ही, बाज़ार से जाओ तो उसको भी धोना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे ना जो भी कपड़े थे ना, ये सब मैंने पंखे में रात में लगा दिया था इसमें, और ये रात भर का बहुत अच्छी तरह से सूख भी गई, ये पंखे की हवा से ना अच्छे से सूख भी गई थी। तो बस यहाँ पे इन कपड़ों को जो रेगुलरी वाले हैं ना, बच्चों के कपड़े हैं, वो सब मैं रख दे रही हूँ। और न्यू वाले भी कपड़े मैंने धोए थे, तो वो सब भी मेरे अच्छे से सूख चुके थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप भी मिलती थी और बरसात भी हो रही थी। तो यहाँ पे जो भी है ना, पंखे की हवा से अच्छे से सूख गए थे, बच्चों लोग के स्कूल के भी ड्रेस थे, तो यहाँ पे आसानी से मेरे कपड़े सूख जाते हैं रात भर की हवा में, पंखे की हवा से। और यहाँ पे बेटे का भी ड्रेस व्रेस जो न्यू मैंने धोया था ना, मैं के गई थी, वो सब कपड़े भी मेरे अच्छे से सूख चुके हैं। ये सब मैंने फोल्ड करके ना, जहाँ है अलमारी में बच्चों के ड्रेस रहते हैं, उसी में अभी रख दूँगी। फिलहाल मैं अभी थोड़ी जैसे तैसे रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी ना काफ़ी काम है। और दोस्तों यहाँ पर मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह का काम मेरा ऐसा ही चलता है। मुझे भी पता नहीं कि मैं कैसे हालत में रहती हूँ, क्योंकि ना सुबह का टाइम मुझे सिर्फ काम ही सूझता है कि मैं अपने कामों को कैसे निपटाऊं और सही समय में नहा धो के पूजा पाठ करूं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मैंने बाहर में निकाल दे रही हूँ, और बिटिया रानी भी मेरे साथ बाजार गई थी ना, तो उसके भी कपड़े मैंने निकाल दिया है। और नहा धो के आते ही दोस्तों यहाँ पे पूजा में मतलब जो भी सूर्य देवता को जल चढ़ाने आ गई हूँ छत, तो फटाफट से पूजा पाठ कर लेती हूँ और मिलती हूँ। हेलो।
हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और सच बताऊँ ना, आज हमारे यहाँ ना नहाने खाने का दिन था दोस्तों। तो फटाफट से मतलब जितने काम थे सफाई क्लीनिंग कर ली थी और पूजा करके आ गई हूँ आप सभी से मिलने के लिए, थोड़ी सी बातें करने के लिए दोस्तों। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो मेरी वीडियो हो जाएगी लॉन्ग और आप हो जाओगे बोर। तो दोस्तों मैं जाऊंगी किचन और मैं कुछ खाई नहीं हूँ, तो फटाफट से कुछ खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे बच्चों के लिए सत्तू का पराठा बनाई थी, तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि बिना नहाए वो चीज़ नहीं खानी है। नहाए ना और क्या मतलब दोस्तों, जैसे बाल धो के नहाएंगे तभी हम लोग खाते हैं नहाने खाने के दिन। तो बच्चों लोग को तो मैंने सत्तू का पराठा दे के भेज दिया था और मैं भी कुछ खाती हूँ। अपने लिए जैसा तैसा होगा दोस्तों, लिपट जाएगा, लेकिन खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे ना मैं किचन आ गई हूँ, तो दूध गर्म होने के लिए दे दी थी, तो मुझे ना चूड़ा नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसी को ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो ज़्यादा देर तक ऐसे भूखे भी नहीं रहने चाहिए, गैस की तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ना सोचा कि हर महिलाएं ना अपने लिए कुछ उतना स्पेशल नहीं बनाती है, जब अकेला पड़ो ना तो कुछ स्पेशल नहीं बनाने का मन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना चूड़ा और दूध ले लिया था और आज चीनी ही ले ली थी। गुड़ थी लेकिन ना गुड़ वाली मुझे नहीं, वो डब्बा धोया हुआ नहीं था ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है और चीनी ले ली हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं बैठ के ब्रेकफास्ट मैं यही करूँगी। और कौन कौन दूध चूड़ा खाते हैं दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज ये सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा दोस्तों। तो जब भी ये सब ब्रेकफास्ट मैं बेड में बैठ के खाती हूँ, जब भी चावल वावल है वो बेड में हम लोग बैठ के नहीं खाते हैं दोस्तों। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया था और यहाँ पे मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में, यानी खाने के प्रिपरेशन कर रही हूँ दोस्तों। और आज भेज खाना ही बनेगा, शुद्ध सात्विक भोजन दोस्तों। तो बस यहाँ पे ना ये देखिए, मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ सिंपल तरीके से, बस मैंने लाल मिर्च की हेल्प लेती हूँ। और इधर ना ये मेरी पस्तों की मतलब टमाटर पस्तों चटनी बना रही हूँ, और ये मैं ना हमेशा जब भी कोई फास्टिंग वास्टिंग करती हूँ तो ये मेरी खास है दोस्तों और मुझे फेवरेट भी है। तो पस्तों दाना यानी खसखस, टमाटर में ना पूरा टमाटर गल जाए ना तो ये खसखस पीस के डाल दो, मिर्ची से पीस के, काफ़ी टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मेरे हो गए थे टमाटर और भिंडी, और इसके बाद ये पे केला है दोस्तों। तो मैंने ना 2-3 केले लिए थे और मसालादार लटपट टाइप के बना रही क्योंकि बच्चे लोग केले नहीं खाते हैं। तो मेरा यहाँ पे ना मैंने लंच में थोड़ी सी तीन सब्जी बना दी थी, और यहाँ पे मेरा दाल भी हो गया था और चावल ऑलरेडी आगे ही मैंने रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल से आ चुके थे और बिटिया रानी नहा ली थी, क्योंकि वो ऐसे स्कूल जाती है ना तो नहीं नहाती, क्योंकि जल्दी निकल जाती है ना तो नहाने का टाइम मैं इसको दे ही दे पाती हूँ, क्योंकि ऊपर छत जाना पड़ता है तो मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, और वो भी सुबह नहाने पे हिचकिचाती है। तो बस मैं ना उसको अभी नहा दी हूँ और यहाँ पे देखिए लंच लगा दे रही हूँ। तो आज देखिए थाली में भिंडी फ्राई, चोखा है दोस्तों बच्चों के लिए, केला की मसालेदार केले की सब्जी, और टमाटर पस्तू और दाल चावल। तो दोस्तों यहाँ पे भेज थाली लग चुकी है, तो आ जाइए आप सभी दोस्तों। तो ये रही हमारी भेज थाली, और ये दोस्तों यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ खाना। तो आज आप सभी से मैं फुल डे की रूटीन शेयर भी कर रही हूँ दोस्तों। तो ये रही मेरा ना शाम का समय है, और यहाँ पे केला और सेफल लेके आए थे क्योंकि कल है फास्टिंग है ना भगवान को चढ़ाने के लिए, तो मैं इसको धो के रख देती हूँ। और दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि मैं रक्षाबंधन में मेरे भाई क्या दिए हैं वो मैं बाद में आप सभी से शेयर करूँगी, तो आज वो दिन आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है वो आप सभी देख के पता चल ही गया होगा। तो ये है बिटिया रानी गिफ्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे ना बोलते हैं ना कि गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो या कीमती हो या सस्ता, दोस्तों प्यार प्यार ही होता है। बस मेरे भाइयों ना हमेशा मुझे जो भी चीज़ देते हैं यूज़फुल चीज़ ही देते हैं, वो पूछते भी हैं कि क्या लोगी, मैं नहीं बताती हूँ लेकिन वो लोग जीत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए बेटिया रानी के लिए मैंने कहा था लंच बॉक्स ही दे दीजिएगा, क्योंकि लंच बॉक्स उसका पुराना हो गया था। तो यहाँ पर ना ये है मेरे बड़े भैया के बच्चों की तरफ से है आकृति के लिए लंच बॉक्स दोस्तों, और ये है लंच बॉक्स है, और ये है छोटे भैया की तरफ से बेटिया रानी को स्टडी करने के लिए खाने के लिए जो भी समझो। तो बस वो सब जो भी देते हैं ना काम की यूज़फुल चीज़ ही देते हैं, तो वो ये अपने पसंद से ये लोगों ने दिया था।
छोटे भैया ने। तो ये रही मेरी मतलब आकृति की, ये सब रक्षाबंधन में ये गिफ्ट मिला था। तो दोस्तों जो भी हो, हम मतलब हमारे भैया लोग हैं ना, जो भी है ना, ऐसी चीज़ देते हैं जो हमारे काम में आते हैं। और यहाँ पे ना मुझसे भी पूछा था कि क्या लोगी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे कुछ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ है। तो उन्होंने बोला था किचन के लिए कुछ, तो मेरे किचन में सब चीज़ है दोस्तों। तो एक बार ना इडली मेकर मिला था और फ्राई पैन, तो इस बार मैंने कहा कि मेरे पास है कुछ तो ऐसा नहीं देना होगा। तो फिर बाद में जब जीत किए तो मैंने कहा कि एक पायल ही दे दो। तो देखिए दोस्तों मैंने ये अपनी पसंद से जाके लिया था और मैं खुद गई थी। तो ये देखिए मेरी ये सिल्वर वाली पायल जो रफ यूज़ करने के लिए है। और छोटे भैया की तरफ से उन्होंने भी पूछा था कि क्या लोगी, तो दोस्तों मैंने कहा कि कुछ नहीं देना होगा। तो फिर भी उन्होंने दिया था मुझे, पैसा दिया था दोस्तों। तो मैंने इस पायल के साथ ना एक बिछिया भी ले ली हूँ, तो ये बिछिया है दोस्तों। तो ये दोनों भाइयों की तरफ से मेरी ये सिल्वर वाली पायल, चांदी की पायल दोस्तों गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन में। तो दोस्तों इस बार ना मैं अपने लिए ही मंग ले ली हूँ, और नहीं तो वो लोग किचन का भी सामान ही देते हैं, तो किचन में ऑलरेडी सब चीज़ है। और ये है मेरी बिटिया रानी का पायल दोस्तों, जो मम्मी की तरफ से ये मम्मी न्यू कर दी, मतलब न्यू बनाई है, क्योंकि ना पुराना पायल जो मम्मी ने दी थी ना वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए ना वो तुड़वा के ये मम्मी ने न्यू बना दिया है। और वो कभी उतना पहनती नहीं है, फिर इसलिए बड़ा साइज में बना दिया है ताकि बड़ी होगी तो पहनेगी, अभी वो कुछ भी नहीं पहनती है उतना। तो दोस्तों ये रही मेरे भाइयों की तरफ से और आकृति के भाइयों की तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट दोस्तों, जो आप सभी फैमिली मेम्बर से शेयर करना तो बनता है। तो ये रही गिफ्ट रक्षाबंधन की। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।